मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए, और बाकी तो ये रूटीन में मोटरवे का सफर हर मरतबा ही आपके साथ शेयर होता है, इसलिए आपको इस आज ज़्यादा वो नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहीद रांझा, आपके अपने चैनल वहीद रांझा के संग पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह के वीडियो में हमने आपके साथ सफ़र शेयर किया, कुछ हिस्से उसको रहते थे, ये लाहौर से निकलते हुए लाहौर के मनाजर हैं, ये हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं और कुछ सफ़र के खूबसूरत हिस्से भी आपके साथ जो कल की वीडियो में नहीं दिखा सके वो शेयर करते हैं और फिर आगे निकलते हैं जी गांव की तरफ, और थोड़ी सी गपशप आपके साथ शेयर करते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल हमारी वापसी भी है, एक वलीमा भी अटेंड करना है, और कुछ आपको यहाँ के रूरल एरिया, किन्नू के बागात और ख़ूबसूरत आजकल बाहर का मौसम है तो वो चीज़ें भी दिखाते हैं। तो अभी हम जी ये लाहौर से निकल रहे हैं, तो ऊपर हमारे ये मेट्रो का ट्रैक है और नीचे से हम साथ जा रहे हैं, जाके मोटरवे पे चढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे जी। तो आइए ज़रा आपको लाहौर के मनाजर दिखाते हुए मोटरवे पे ले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए, और बाकी तो ये रूटीन में मोटरवे का सफर हर मरतबा ही आपके साथ शेयर होता है, इसलिए आपको इस आज ज़्यादा वो नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। बहार की आमद आमद है जी, सुंबल के दरख्तों पे उसके खूबसूरत सुर्ख फूल लगे हुए हैं, मोटरवे के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत सीन नज़र आते हैं जहाँ पे सरसब्ज दरख्त भी हैं और उनके साथ ये सुर्खी माइल खूबसूरत फूलों से लदे हुए दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़े से आपके साथ सीन मोटरवे के शेयर करते हैं जी। जीएसएम साहब किधर बिजी हैं जनाब, पहुंच के गांव में? गांव में भी ना सिर्फ पहुंच के बल्कि शादी से फारग फुरग हो गए, कुछ रात से फारिग हो चुके हैं, वलीमे से फारिग हो चुके हैं, बनके वापस आने की तैयारियां। और कल का वलीमा कौन को अटेंड करेगा भाई, अभी तो रहता है एक वलीमा आपका, रह गए दो गुजार चुके हैं, और कल का पता खाना भी करने के बाद
और सफर कैसा रहा था आपका जी? बड़ा खूबसूरत सफर रहा। सफर अच्छा रहा। शुरू वाला कुछ सोते हुए गुजरा, वहां से आपको रिसीव किया जनाब मां साहब ने, और सुना बड़े जंप शंप लगवा के आपको लाए के, ताकि आपको फुल जो है भूख शोक अच्छी लग जाए। आते हुए आपको खाने की अच्छी गुंजाइश मान गई थी। बड़े अरसे बाद रवायती पाकिस्तान की सड़कों पर सफर करने का मौका मिला दोबारा, मजा आया। और बस सिर्फ 10 किलोमीटर गांव तक आते हुए बस इतना एक हो गया था, बस बस नहीं अंदर था। नहीं जी, सुनैन साहब से आपने सुन लिया है सफर की रुदाद और यहाँ की। आज जैसे यहाँ पे गांव में कोई हम वीडियो नहीं बना सके, जब किसी की शादी पे जाएं और एज ए मेहमान हो तो फिर तो ज़रा और बात होती है। और यहाँ पे चूँकि हमारा वो अपने भतीजा भतीजी भांजी और वो शादियाँ थी, तो उसमें बिजी रहने की वजह से वहाँ की कोई भी वीडियो तो नहीं बना सके। तो बाकी इस रस्ते की कल आपके साथ शेयर किया, कुछ जो सीन रहते थे वो आज की इस वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं। और कल हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो हम आपको यहाँ के किन्नू के बागात और कुछ थोड़ा सा रूरल एरिया दिखाएंगे। अभी इस वक्त थक हार के दोनों देखें जी, माँ साहब भी और स्नैक साहब भी जनाब अपने अपने मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं और टेक लगा के बैठे हुए हैं, और मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही है। तो अब दें इजाज़त, दो में याद रखें, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी जी नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।